Hey what's up guys, welcome to my channel Shailesh Upadhyay Fitness में मैंने पिछली वीडियो अपलोड कर दी है दोस्तों, प्लीज जाके उसको देखिए और बताइए वो वीडियो कैसी है, मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ सही किया है, उसको मेरे को प्लीज कमेंट में जवाब दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बेसब्री से अपने वीडियो अपलोड होने की राह देख रहा था और वो वीडियो अपलोड हो चुकी है और कुछ लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है। तो मैंने देखिए कि मैंने पिछली वीडियो यही बताई है कि घर पे बैठे आप अपनी बॉडी को कैसे फिट रखें। इससे पहले मैं आपने ये काम नहीं किया है मेरा, तो ये काम प्लीज जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और एक काम करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि उसी की वजह से मेरी जो भी अगली वीडियो अपलोड होगी वो नोटिफिकेशन के साथ आपको वो मिल जाए और वो आप वीडियो तुरंत देख सके। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें खाएं आप जो आपको प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिले। जी हाँ दोस्तों, शरीर को बॉडी बनाने के लिए चाहे मसल्स गेनिंग के लिए प्रोटीन वाली चीज़ें ही खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी प्रोटीन रहती है उसी हिसाब से अपनी बॉडी ग्रोथ मिलती है। और हम लोग सोचते हैं दोस्तों कि हम लोग ये खाना खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया तो हमको प्रोटीन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूर मिलता है, लेकिन हमको हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना प्रोटीन हम नहीं निकाल पाते हैं खाने से, इसलिए हमको जिम जाना पड़ता है और भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोटीन पाउडर्स है, ऐसे 3-4 सप्लीमेंट्स है जो हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको उतना प्रोटीन जिम के हिसाब से और कसरत के हिसाब से उतना प्रोटीन लेना पड़ता है। उसके बाद वो बॉडी ऑब्जर्व करती है, उसमें से हमारे मसल गेनिंग का स्टार्ट होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ें खाएं जिसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिले और उसमें फैट और कार्ब्स थोड़ा कम मिले और आपका बॉडी बनने में लिए बहुत असरकारक चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। तो सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, मैं फर्स्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको जिसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है, क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं आपको, तो उसमें मैं बताऊँगा नॉनवेज में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि नॉनवेज जितना ज़्यादा ताकतवर कोई भी प्रोटीन नहीं है, क्योंकि उसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं। ज़्यादातर देखेंगे तो आप मछली में, फिश में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन, क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरा है एग्स खाइए, अंडे खाइए, और रोज़ के आप अंडे खाइए, कम से कम 4 अंडे खाइए। अगर आपको बॉडी वेट ज़्यादा है, आप ज़्यादा हैवी बॉडी बल्की बॉडी है, तो आप थोड़ा उसमें से पीला वाला भाग थोड़ा कम खाइए। और आपको अगर बॉडी बनानी शुरू हुई है क्योंकि आप पतले थे, उसमें से आपको बॉडी गेन करना है, तो आपको पीला वाला भाग भी खा जाना है, क्योंकि 4 अंडे रोज खाइए और उसमें से आपको भरपूर मात्रा में 1 अंडे में से कम 6-7 ग्राम प्रोटीन मिलता है आप लोगों को, इसलिए 4 अंडे खाएंगे तो आराम से 20 ग्राम जितना प्रोटीन आपको ऑब्जर्व उसमें मिल जाएगा। दूसरा है चिकन, चिकन में भी आपको फुल मात्रा में प्रोटीन, मतलब भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, क्योंकि उसमें कोई पूछना नहीं, क्योंकि प्रोटीन चिकन में बहुत होता है। तो देखिए कि चिकन कैसे आपको खाना है, ना उसमें ज़्यादा तेल ऑयली चिकन नहीं खाना है आपको, उसको बॉयल करना है, चिकन बॉयल करके उसके बाद वो चिकन खाना है, जिसकी वजह से आपके मसल्स में ज़्यादा एनर्जी आए और वो मसल्स ज़्यादा बढ़ने लगे। तो ये हुई नॉनवेज की बात। और मैं आपको बताता हूँ सिंपली बात कि नॉनवेज सबको, मेरे को मालूम है कि नहीं खाता है, चाहे किसी की फैमिली में कोई ना खाता हो, चाहे ये भी हो सकता है कि वो खुद ही ना खाते हो, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, आपके लिए वेज में भी बहुत सारी आइटम्स हैं जिससे आप बॉडी को गेन और फुल प्रोटीन दे सकते हो। तो सुनिएगा, वेज में मैं आपको बताता हूँ, वेज खाना है तो उसमें से हरी सब्जियाँ, फर्स्ट तो हरी सब्जियाँ है जिसमें पालक आ गई, गोभी आ गई, बंद गोभी आ गई, गाजर, फिर ककड़ी है, फिर आपको बहुत सारी आइटम जैसे आपको अवेलेबल हो मार्केट में वो आप अपने बॉडी के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपको प्रोटीन मिलता है और बॉडी आपकी जल्दी ऑब्जर्व करती है, क्योंकि नॉनवेज पकने में कम से कम 72 घंटे लगते हैं, वो अपनी बॉडी के लिए हैवी भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, आपको कच्चा भी खा सकते हैं, इसको आप बॉयल करें तो भी खा सकते हैं, और ये गाजर है, काकड़ी है, ये सब आपको कच्चा भी खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और ये आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिलेगा इस चीज़ में से। तो मैंने ये बताई हरी सब्जियाँ, फिर मैं आता हूँ आपको, देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है बॉडी के लिए और रोज़ वो खाते हैं, खाना ही चाहिए, जो खाते हैं उनको मालूम होगा कि इसकी महत्व क्या है प्रोटीन में और इस बॉडी में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं खुद कम से कम रोज के 200 ग्राम चने खाता हूँ, वो भी भिगोए हुए, उसमें कोई भी ज़्यादा कुछ मिलाने का नहीं, भिगोए हुए चने को एक दिन छोड़ देने का, उसमें से जब वो फूट निकलते हैं वो चने खाइए तो आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलते हैं। वो अगर आप खाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जब 10-15 दिन में आपकी बॉडी अपने आप ताकतवर बनती जाएगी, तो आपको महसूस होगा कि नहीं मैं
हैवी वेट उठा सकता हूँ, आपको अपने आप पे विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो चने आप बहुत जरूर खाइएगा, चने के साथ साथ है राजमा, फिर दो तीन ऐसे ये सप्लीमेंट्स हैं जो आप चने और उसके साथ भी खा सकते हैं। तो ये हुआ चना और राजमा की बात, जो भी आपको ये भी आपको बॉयल ही खाना है, चाहे पानी में भिगो के खाना है, नहीं तो बॉयल, दो में से आप खा सकते हैं और थोड़ा सा नमक उसमें डाल सकते हैं आपको टेस्ट अनुसार, क्योंकि ज़्यादा लोगों को शायद पसंद नहीं आता बिना नमक के चाहे ऐसा भी खाना, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा नमक डाल सकते हैं। फिर आप में आता है प्रोटीन्स वाली और मैं चीज़ें बताता हूँ, तो उसमें आता है बादाम और काजू, ये दो तीन चीज़ें में भी बहुत ही प्रोटीन्स रहते हैं, लेकिन ये शायद कॉस्टली पड़ेगी सबको, मुझे भी कॉस्टली पड़ती है, ये बहुत महंगी है, लेकिन इससे सिवाय आप उसके मूंगफली खा सकते हैं जो सादी रहती है बिना नमक वाली, जी हाँ दोस्तों वो मार्केट में अवेलेबल है, मूंगफली भी खा सकते हैं। एक और चीज़ है जो ज़्यादा प्रोटीन लेवल बढ़ाता है, वो है सोयाबीन, जी हाँ दोस्तों सोयाबीन तो शायद तक सभी लोग खाते ही होंगे और वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, सोयाबीन भी आप प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आता है। तो ये हो गए दोस्तों खाने वाली चीज़ें जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। हम लोग सोचते हैं कि सुबह तो हमने खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया, उसमें से हमारे प्रोटीन बहुत मिल जाएगा, लेकिन मिलता है नो डाउट उसमें से प्रोटीन मिलता है, लेकिन जितनी मात्रा में हमारे शरीर को हमारे मसल्स को जितना चाहिए उतना वो प्रोटीन नहीं दे पाता, इसलिए हमारी बॉडी बनती नहीं है, इसीलिए हम लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और हमको जिम ट्रेनर प्रोटीन वाले ही डाइट्स देते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। मेरा जिम जाने के शायद 6 महीने हुए, लेकिन जब मैं गया था तो मेरी बॉडी भी बहुत बल्की थी और वजन ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन मेरे को उस हिसाब से डाइट मिला, मेरे डाइट में सुबह नाश्ते में ओट्स है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको ये बताना भूल गया कि सुबह में नाश्ते में अगर आपको सबसे बढ़िया चाहिए तो ओट्स लीजिए, ओट्स दूध में मिला के आपको स्वाद ना लगे तो थोड़ा सा शक्कर डाल के आप उसको मिला कर खाइए, ओट्स से बढ़कर बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर भी ज़्यादा आता है और वो आपको फैट और भूख से बचाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी आपको मेटाबॉलिज्म और ताकत, आप जिम वर्कआउट से पहले 2 घंटे पहले ब्लैक कॉफ़ी लेके जाइए, पी के जाइए, तो आपको वर्कआउट में बहुत ही बेनिफिट्स होगा। और मैं आपको बताता हूँ रात का समय का, आप रात को सोते समय सोचते हो कि खाना खाए या ना खाए, कम खाओ ज़्यादा खाओ, कोई बात नहीं, रात को ऐसे ही हल्का खाना लेना चाहिए, ये सभी बोलते हैं, लेकिन रात को सोते समय आप एक केला खा लीजिए, अगर आपको खाने का नहीं मन है तो प्रोटीन वाला ही डाइट लीजिए जिसमें केला आता है और दूध आता है, ये आप एक गिलास दूध पी लीजिए और उससे पहले केला, और शाम को ये चने वने ऐसा कुछ खाइए। अगर आप जिम जाते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको सीधे उस एक बाउल में से 25 ग्राम प्रोटीन आपको डायरेक्ट मिल जाता है, वो आप ले सकते हैं। तो मैंने आज बताई आपको दोस्तों कि इतनी सारी चीज़ें बताई कि जिसमें आपको प्रोटीन्स मिली, उसमें मैं बता देता हूँ, फर्स्ट मैंने क्या सलाद, एक और चीज़ इसमें ऐड कीजिए, सलाद में होना चाहिए बीट, टोमेटो, गाजर, ककड़ी, इस सब का सलाद का, जब भी आपको भूख लगे, हम क्या करते हैं भूख लगते समय, चाहे अभी कभी भी भूख लगी 4 बजे दोपहर में चाहे 12 बजे, कैसे 12 बजे आप खाने का, लेकिन जब हमको यहाँ पे नुकसान होता है, जब हमको 4 बजे भूख लगती है तब हम जाकर फास्ट फूड खा के आ जाते हैं जिसमें वड़ा पाव है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम 4 बजे टेक करते हैं, और उसमें से आपको नन प्रकार का मतलब थोड़ा भी प्रोटीन आपको उसमें से नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ फैट बढ़ाता है, खाली आपको भूख को रोकता है, वही चीज़ आपको 4 बजे भूख लगती है तो आप उसमें प्लस पॉइंट जोड़ दीजिए, उसमें है सलाद है, पीनट बटर है, ब्रेड है, इसको मिला के खाइएगा तो आपको शरीर के लिए हेल्दी रहेगा, जो अपने शरीर को लिए बढ़िया है अभी वही चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि सबको अभी अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना ही होता है, सबको ऐसा होता है कि मेरी भी बॉडी भी ऐसी हो, मैंने भी किस सोच के जिम ज्वाइन किया था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना सही, अगर हमको हेल्थी रहना है तो खाने में बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है, और ऐसा खाना खाइए जो आपके शरीर के लिए हेल्दी हो, ऐसा नहीं कि पेट भरने के लिए तो हम सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी खाना आपको खाना चाहिए, उसमें से हरी सब्जियां बोला ये सलाद में बीट खाइए, सलाद काकड़ी खाइए, फिर टमाटो है, फिर गाजर, ये सब 4 चीज़ों का सलाद आप खाना से खाइए, चाहे 4 बजे आपको जब भी भूख लगे तो आप सलाद खाइए, अपनी भूख को रोकिए इस वेजिटेबल से, तो आपको बहुत ही प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ओनली फॉर द फार्मर्स ये इसको उगाते हैं और ये डायरेक्ट आती है, इसमें कोई मिलावट, कोई भी प्रकार की मिलावट इसमें होती नहीं है, इसलिए आपको सबसे बढ़िया है कि आप यही चीज़ जो खाइए, सुबह में आप ओट्स ले लेते हैं, फिर 12 बजे आप लंच में दाल भात राइस एंड दाल लेते हैं, फिर सब्जी खा लेते हैं, फिर रोटी 2-3 हो गई बहुत हो गया आपके लिए, फिर एक एप्पल खा लीजिए खाने के बाद, सुबह में खा लीजिए तो भी चलेगा, खाने के बाद खा लीजिए तो भी चलेगा, ये सब चीज़ें हो गई।
उसके बाद आपको 4 बजे मैं बोला आपको सलाद खा लीजिए क्योंकि भूख लगती है। तो फास्ट फूड को मत छूइएगा क्योंकि फास्ट फूड जहाँ आपने खाया तो आपके लिए नुकसान ही नुकसान है, लेकिन फास्ट फूड नहीं, कृपया करके फास्ट फूड मत लीजिए। मैंने भी अपनी बॉडी फास्ट फूड खा के बहुत बिगाड़ी थी, इसलिए मैं फास्ट फूड आपको थोड़ा भी अलाउ नहीं करूँगा। बाहर की चीज़ें मैं आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, अगर आपको बॉडी पे ध्यान देना है, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ फास्ट फूड को आप ऑब्जर्व कीजिए एक भी टाइम। हाँ, कभी एक दिन ट्यूजडे मतलब आपको संडे को जिम में छुट्टी रहती है, जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जैसे भी आप लोग जिम जाते हैं उनको तो सभी मालूम होगा कैसे नाश्ता खाना सब देख करना है, डिनर लंच। और जो नहीं जाते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये सब आदतें डालिए, 4 बजे आप सलाद खा लीजिए, फिर रात को आप हल्की सी वर्कआउट तो करते ही, सब कुछ थोड़ा वॉक करता है, आगे पीछे होता है, पुशअप पुशअप मारिए, उसके बाद शाम को हल्का खाना खाइए, 2 रोटी खाइए, लेकिन प्रोटीन वाला डाइट ले, जैसे चना है, ये में मग है, ये रात में बताया आपको, जो बॉयल आप ले सकते हैं, 1 गिलास दूध पी के आप सो जाए। अगर आपको रोज अंडे नहीं पसंद है, चाहे आप नहीं टेक कर सकते हैं, तो कभी सप्ताह में 2-3 बार आप अंडे मॉर्निंग टाइम में अंडे खाएंगे तो आपके लिए बॉडी के लिए ज़्यादा ऑब्जर्व रहेगा। तो इसीलिए मैं आप सबको बताया कि आज सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी चीज़ों में रहता है, और मैंने आपको सब बता दिया। तो प्लीज़ ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिए क्योंकि ये आपके लिए ही, और एकदम मैं आपको फ्री सब बता रहा हूँ, आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं, चाहे बताता कि होगा तो मेरे जैसा शायद नहीं बताता होगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत काम किया है। और मैं आपको सभी जैसे जैसे मैं आप अपनी बॉडी के लिए करता हूँ, जब मैं खाता हूँ वही आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कोई मैंने इसमें ऐसा नहीं बोला कि मैं कुछ दूसरा खा रहा हूँ अपनी बॉडी बनाने के लिए, आपको कुछ दूसरा बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो रोज का डाइट देखिए, मैं सुबह उठ के मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ, ओट्स लेता हूँ, फिर 10 बजे एक सेव खाता हूँ, फिर 12 बजे लंच में देखिए दाल भात रोटी और सब्जी हो जाता है, उसके बाद 4 बजे मैं पीनट बटर और ब्रेड और ये लेता हूँ, उसके बाद मैं वर्कआउट पे चले जाता हूँ, 6 से 8:30 तक मैं वर्कआउट करता हूँ, तुरंत आने के बाद मैं हमेशा प्रोटीन वाला ही डाइट खोजता हूँ कि मतलब मुझे क्या खाऊँ जो मुझे प्रोटीन मिले, क्या खाऊँ जो मुझे प्रोटीन मिले। मैं अपनी प्रोटीन के लेवल को बहुत हाई रखना चाहता हूँ क्योंकि उसी की वजह से बॉडी अपनी गेन और ग्रोथ करती है। तो मैंने शाम को नॉर्मली खाता हूँ, देखिए 1 रोटी शायद खाता हूँ और हरी सब्जियाँ बनवाता हूँ, घर पे सब अवेलेबल हो तो आप हरी सब्जियाँ ही ज़्यादा खाइए, फिर जो भिगोए हुए चने होते हैं वो खा लेता हूँ, और सोने के बाद 1 गिलास दूध, और फिर आपको बॉडी के लिए 8 घंटे नींद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सब आप करेंगे, सब डाइट लेंगे, पूरे वर्कआउट करेंगे, लेकिन जब आपको 8 घंटे नींद नहीं मिलेगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों 8 घंटे सोइए, और मैं अगली वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। चलिए मैं अगली वीडियो का टॉपिक अभी से बता दे रहा हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा कि जिसको बॉडी बढ़ नहीं रही है, मतलब लॉन्ग टाइम से खाना खा रहा है, सब डाइट ले रहा है, लेकिन जिनकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं कर रही है, उनके लिए मैं बढ़िया से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्या खाएं जो आपकी बॉडी वजन बढ़ने लगे चाहे ग्रोथ होने लगे, उसके अगली वीडियो में बताऊँगा कि किसे फैट लॉस करें। तो अगली वीडियो है गेनिंग के लिए, उसके बाद वीडियो है ना अगली वीडियो सॉरी है गेनिंग के लिए यस, और उसके बाद वाली वीडियो है कि फैट लॉस के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए सब कुछ नया है, ये चैनल भी नहीं है आपके लिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिसकी वजह से मैं जो भी अपलोड वीडियो करूँ आपके पास तुरंत चली जाए और आप देख सके। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल शैलेश उपाध्याय फिटनेस में, और उसमें देखिए कि क्या मैंने गलती की है, क्या पॉजिटिव है मेरी, और आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ऐसा लगे कि मैं अगली वीडियो इस चीज़ पर बनाऊँ चाहे उस चीज़ पर बनाऊँ तो वो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो है।